फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू केयूर भाई रेड चेरी जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये करीबन एक महीने पहले जब हमने अंडर एम मैच खेली थी, उस अंडर एम मैच में पता चल गया था उस एक्साइटमेंट आर्टिस्ट मैनेजर्सों की और आर्टिस्टों की। और इमीडिएटली हमने ये 26 जनवरी को किया था और उसके 3 दिन बाद ही उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया कि विल हैव अ ओवर एम मैच। और जो हिसाब से पार्टिसिपेशन है आर्टिस्टों का, इट्स ब्रिलियंट, एवरीबडी इज पुटिंग 100% ऑफ देयर एफर्ट्स। मेरी डांस कंपनी है एनजे डांस कंपनी, निगार एंड जिग्नेश, वी आर कोरियोग्राफर्स। मैं साल के करीबन 150-200 करता हूँ, बट 2 साल जो सबने नहीं कर पाए, मेरा ये टारगेट है कि ये साल और अगले साल 2023 तक आई माइट डू मोर देन 200-250 शोज। एंड अगेन रेड चेरी केयूर भाई का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ उसमें भी। नथिंग, आई एम नॉट इन टू रियलिटी शो, ना मैंने कभी कोई रियलिटी शो किया है, ना मैंने कोई टीवी शो किया है। वी आर मास्टर्स इन वेडिंग कोरियोग्राफीज जो होती हैं, मैं साल की 100-125 वेडिंग करता हूँ जिसमें कपल एंट्रीज वगैरह सारी चीज़ें प्लान होती है। सेकेंडली जैसे आदित्य नारायण के जो डैड उदित जी हैं, उदित जी के साथ मेरा 2006 है, मेरा रिलेशन और मेरी बॉन्डिंग वैसी है कि उनके साथ जितने भी शोज हमने किए हैं, US टूर, कैनेडा टूर, आज भी हम करते हैं उनके साथ। सो वी वर्क विद लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज, सो क्रॉसिंग फिंगर्स। सिख ईसाई क्रिकेट म्यूजिक, ये 6 धर्म जो है वो रन करते हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी कलाकार लोग हैं, मसला एक ही है, सारे इकट्ठे हो जाएँ और सब एक दूसरे से मिल लें, और चूंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो बनी रहे, तो मैं ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए तो बधाइयां देना चाहूँगा, इसके ऑर्गेनाइजर्स को, पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है और सब अपना वक्त निकाल करके यहाँ आपके सामने ग्राउंड में है। सर, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट मिले मिलना, आपका पर्सनल अनुभव कैसा रहा है अभी तक जो करियर में आपके मैनेजर्स हैं? मुझे 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 हर किसी से पॉजिटिव रिजल्ट आया है और मैं स्टिल आई एम वर्किंग सिंस 2007। बहुत ज़्यादा इवेंट एजेंसीज या इवेंट कंपनीज जो है, आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और सबके साथ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया और सबके साथ बहुत मज़ा आया है और मैं तो करना चाहूँगा हमेशा उनके साथ काम। यार आई एम वेरी मच एक्साइटेड विद राम सेतु और उसके अलावा तो मेरे अपने गाने हैं जो मैं सिंगल कर रहा हूँ और बस यही उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। मैं अपने चैनल के लिए काम कर रहा हूँ और आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इंडिविजुअल अभी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है टू वो लेवल को सस्टेन करना। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा काम करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने बोला मैं डेफिनेटली गोना बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि क्या है कि हम दुनिया को एंटरटेन करते हैं और कोई भी आर्टिस्ट होता है वो तभी लंबा चल पाता है जब उसका मैनेजमेंट, उसका जो आर्टिस्ट होता है, जो उसका मैनेजर होता है, वो उसको अच्छे से मैनेज करे और दोनों के बीच की ट्यूनिंग। इनफैक्ट एज ए इंडस्ट्री आर्टिस्ट और आर्टिस्ट मैनेजर्स जो हैं वो जब ऐसे होते हैं तो इंडस्ट्री बहुत बूम करती है। तो बहुत अच्छा है क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि ये किसी को भी बांध देता है, तो आपस में जो थोड़ी बहुत कभी कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है या जो भी है तो वो ख़त्म कर देता है क्रिकेट। सो क्रिकेट से अच्छा तो मेरे को लगता है कोई दो इन दो दुनियाओं को एक साथ मिलाने वाला तो कोई और कोई यंत्र हो ही नहीं सकता। तो आप कितना क्रेडिट करते हैं, आप एक देखिए मैनेजर का तो ऐसा है कि जैसे एक माँ के दो बच्चे होते हैं और दोनों में अपने अपने टैलेंट और अपने अपने गुण होते हैं, वैसे ही आर्टिस्ट मैनेजर और आर्टिस्ट, ये दोनों जब दोनों ही अच्छे होते हैं तभी आर्टिस्ट लंबा चलता है। देखिए आर्टिस्ट हिट तो हो जाता है लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत हिट हुए और फिर गायब हो गए, पता ही नहीं कहाँ चले गए। उसमें कहीं ना कहीं उनके मैनेजमेंट का बहुत हाथ है, क्योंकि जब सक्सेस होता है ना, कहते हैं ना वो चाय से ज़्यादा केतली गर्म नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ केतली जब ज़्यादा गर्म होगी तो चाय ठंडी हो जाएगी और जब केतली ठंडी रहेगी तो चाय गर्म होगी, सिंपल है। तो आर्टिस्ट मैनेजर जो है वो केतली है, उसको ठंडा रहना है ताकि अंदर की चाय गर्म रहे। सो जब ये तालमेल ख़राब होता है ना तब आर्टिस्ट आप देखते हैं कि एक आर्टिस्ट सडनली गायब हो गया मार्केट से, उसका रीज़न यही होता है कि उसके मैनेजमेंट ने ठीक से उसको हैंडल नहीं किया और आर्टिस्ट को कंट्रोल करने वाला, उसके माइंड को कंट्रोल करने वाला भी एक मैनेजर ही होता है। आत्मा म्यूजिक के साथ एक बहुत अच्छा एसोसिएशन हो गया हमारा, एक मीत ब्रोस का एक पार्टी सॉन्ग है, फीमेल पार्टी सॉन्ग जैसे आप हमारे गाने सुनते हैं,
ये बहुत ही अच्छा डांस ट्रैक है और ये पहला हमारा कोलैबोरेशन है। इसमें कोई बड़ी एक्ट्रेस भी आएंगी और गणेश आचार्य जी शूट करेंगे इस गाने को। बहुत ही सिंगल्स में एक फिल्म वाली फील आपको मिलेगी जो कम मिलती है। ग्रैंजर है और आत्मा म्यूजिक अच्छा काम कर रहा है। सुधांशु वी आर डूइंग अ सॉन्ग विद देम। प्रोजेक्ट्स दिए आपने, इसके अलावा ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। इस बार बहुत हम डिफरेंट म्यूजिक लेके आ रहे हैं। भी म्यूजिक पे कुछ गजल नुमा गाने हैं, कुछ बहुत ही अलग तरीके के रोमांटिक सॉन्ग्स हैं जो पापोन और एक पवन सिंह जी के साथ एक बहुत अच्छा एक डांस ट्रैक बना रहे हैं जो हिंदी भोजपुरी स्टाइल है। उम्मीद गोज और पवन सिंह पहली बार साथ में आ रहे हैं तो वो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक कोलैबोरेशन है जिसके लिए आप सबको रेडी रहना है क्योंकि वो गाना बहुत ज़बरदस्त डांसिंग सॉन्ग है। यूनिक तो है ही है, मतलब हम डेली टाइम मिलता है तो क्रिकेट खेलते रहते हैं, बट मस्तक पे दस्तक देती हुई है सारे एक साथ। तकरीबन 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई है गेंद, गई विकेट की बल्कि रफ्तारों में कोई रन नहीं, क्या गेंदबाजी है। ताकि अपने बिजी टाइम से लोग टाइम निकाल पाएँ और एक दूसरे से यहाँ पे आके मिले और इन्जॉय करें क्रिकेट, जो एक बहुत ही फेवरेट गेम है सभी का। एंड थैंक यू वेरी मच यू टी एम यू ऑर्गेनाइज कर। आत्मा म्यूजिक मैंने सुना नहीं अभी तक, बट आई एम श्योर आएंगे जो जड़ों में डाली है गेंद, फॉलो थ्रो में खुद का ही रास्ता, क्या गेंदबाजी है, आला दर्जे की उच्च कोटि की गेंदबाजी, इसी का इंतजार था। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, सफलतापूर्वक ओवर अभिनाश के माध्यम से, बहुत सारे काम ऐसे करके रखे हुए हैं, उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद रही बल्ले से दूर और रिजल्ट सिमिलर, बैक टू पास डॉट बॉल, आखिरी लास्ट में लाशे गिरा दी है डॉट बॉल की, बट यस सरप्राइज ही अच्छा। कप्तान एमजे थोड़े नाखुश अपनी कारकर्दगी से, बड़े हिट का प्रयास कर रहे हैं लेकिन गेंद बल्ले से रही है दूर, थोड़ी सी निराशा। रियली हैप्पी ये देख के कि बहुत सारे आर्टिस्ट मार्चिंग एंजल सोशल मीडिया पर जादुई गेंदबाजी दर्शाते हुए, यहाँ से ओएसटी वॉरियर्स को लड़ना होगा, नाम नहीं वॉरियर्स है और वॉरियर्स झुकना नहीं जानते, कट जाते हैं, मिट जाते हैं, नाम अमर कर जाते हैं वॉरियर्स। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर तो हम खेलते ही हैं अपना फ्रेंडली तो, लेकिन आज एक प्रोफेशनल तरीके से खेला जा रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। जी अभी तो रिसेंटली एक काफ़ी सारे गाने मैंने किए, तू मेरा मिस्रा है जिसमें जन्नत और फैजू के साथ हमने किया, फिर ताश दे पत्ते शाहिर शेख के साथ किया, और अभी हमारा प्लान है 3 या 4 तारीख में एक नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है और काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है वो, मुस्कान शर्मा और रेहान उसमें कास्ट है। आत्मा म्यूजिक उनके बारे में बताइए कि कैसा। जी आत्मा म्यूजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए लोगों को चांस दे रहा है और एक ही साल हुआ है अभी इस चैनल को, लेकिन आप देखेंगे कि हर गाना ट्रेंडिंग में। अभी भी हमारा रिसेंटली जो गाना है आसिम रियाज के साथ जो हमने किया पिया रे पिया, वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी और लगभग 9 दिन वो ट्रेंडिंग में रहा, तो जितने भी गाने आ रहे हैं सब ट्रेंडिंग में आ रहे हैं तो चैनल के लिए बहुत अच्छी बात है और हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि चैनल आगे ग्रोथ करेगा तो हम ग्रोथ करेंगे। यूनिक तो बहुत ही है क्योंकि यहाँ पे सारे आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है, जो भी एक्टर है, सिंगर है, कोरियोग्राफर है, राइटर है, इन सबको मौका मिला तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। और मैं यहाँ पे खेल नहीं रहा हूँ बट हाँ मैं देखने आया हूँ किस तरीके से सब मजे ले रहे हैं और सब एक इकट्ठे होके मिलके खेल रहे हैं, बहुत ही मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली कि जो आत्मा म्यूजिक है उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। एंड मैं चाहता हूँ अगली बार और सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यहाँ पे आए और ज्वाइन हो, आई एम वेरी हैप्पी। फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार हो रहा है कि सब जन मिलके खेल रहे हैं, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा म्यूजिकल और इस बीच स्कोर 1 रन के साथ आगे हल्की सी अपडेट देता हुआ 11 रन। टीम वर्क है और एक्चुअली हमने जब काम स्टार्ट किया तो हमको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो गलत हो, हमको सारे बंदे सपोर्टिव मिले, भाई ने हमारा 2 वीडियो कर चुके हैं अभी तक अच्छा, तो हमको सारे बंदे जो मिले हैं सपोर्टिव मिले हमेशा, जो जब आप अच्छा काम करने जाते हो और अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं तो आप
ऑब्वियसली ग्रो करते हो और हमने इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया और आगे बहुत करेंगे। अभी हमने मुझे दो तीन गाने और भेजे हैं, इंशाल्लाह उस पर हम और वर्क करेंगे और काम करेंगे। लच्छी और सबसे पहली बात है और अच्छी बात बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो प्रोड्यूस किया है और ये सारे आर्टिस्ट खेल रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये सब बहुत ज़रूरी है। जो इंसान क्या 6 महीने मिले, 3 महीने में एक इकट्ठा होकर खेले, जब सारे आर्टिस्टों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है एक फील्ड पे। अभी आप यहाँ देख सकते हो कोई टेंट्रम नहीं है, कोई स्टार्डम नहीं है, सारे सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ही गेट टुगेदर देख के। जी अभी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है, पिछले 15 दिन से गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है, जिसको कोरियोग्राफ फिरोज़ भाई ने किया हुआ है, तो अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो यही है। इसके पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया था फिरोज भाई के साथ, वो गाना भी 8-10 दिन तक ट्रेंड किया था। तो सारे गाने अच्छे चल रहे हैं, कुछ फिल्मों का प्लान चल रहा है, चल रही चीज़ें। अदा शर्मा और आसिम रियाज का पिया रे पिया रे पिया सुपर, इनकी तैयारी फुल आईपीएल की तरह है और मज़ा आ रहा है। मैंने पहली बारी खेलना शुरू किया है ओवर आर्म में, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए हमारे खेमे में चेहरा कुछ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त करण, हम वैसे बीबीसी में साथ खेलते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। पूरा टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया इन्होंने, इनकी म्यूजिक कंपनी आत्मा और काफ़ी सिंगर साथ रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। हालांकि उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, प्रोजेक्ट अभी अभी आए गंगू भाई आई, उसका गाना मेरी जहाँ ढोलेड़ा जो मेरे गोरी सुपरहिट चल रहे हैं, आगे पठान आ रही है, सर्कस आ रही है, अटैक आ रही है, और भी बहुत सी फिल्में हैं, सिंगल्स भी आ रहे हैं। आप इनको बताओगे एक सिंगल मेरे साथ भी कर लीजिए? बिल्कुल कर ही रहे हैं हम लोग, अगले एक महीने में एक सिंगल हमारा साथ में आने वाला है और पाजी का आशीर्वाद रहा तो ऑब्वियसली चैनल और अच्छा ग्रो करेगा और बहुत बड़ा करेगा। हम दिल से करेंगे और फैमिली है तो बेस्ट ही करेंगे, जब भी करेंगे। He's nice.